have a look here. I've got absolutely no idea what Laurie Evans was doing here. नंबर 7, लोजिलो। एक और पाकिस्तानी के साथ क्या हुआ जरा ये देखिए। तो जैसे ही इन्होंने शॉट मारा तो पहले तो लगा कि बॉल दूर जाएगी तो ये आराम से भागकर रन ले लेंगे, लेकिन अचानक से विकेटकीपर ने बॉल को अपने पैर से रोक लिया और तब तक ट्रेन स्टेशन से छूट चुकी थी, क्योंकि भाई जैसे ही बैट्समैन ने बल्ले को क्रीज पर रखा तब तक तो उनका विकेट गिर चुका था। फिर क्या, बेचारे मुंह झुकाकर पवेलियन चले गए। नंबर 5, जी जरा आप ये देखिए। लगता है इन्होंने भी चालाकी धोनी से ही सीखी है। सेम टू सेम वही हुआ जैसा अभी धोनी ने करके दिखाया था। बैट्समैन इस बार भी बेवकूफ बना, क्योंकि जैसे ही रन कंप्लीट करने के लिए प्लेयर आ रहा था उसे भी यही लगा कि बॉल उसकी तरफ आएगी ही नहीं, क्योंकि विकेटकीपर भी मस्त एक्टिंग कर रहा था। बस जैसे ही हाथ में बॉल आई पलक झपकते ही उसने भी आउट कर दिया। इसे कहते हैं इल्यूजन में डिफ्यूजन। नंबर 4, दोस्तों कुछ प्लेयर्स की नॉलेज इतनी स्ट्रांग होती है कि वो भाप लेते हैं कि अगला विकेट कैसे चटकाया जा सकता है। ऐसा ही हुआ, अगली बॉल डालने से पहले बॉलर को इंस्ट्रक्शन हाथ के इशारे से दे रहे थे, जिसे बड़े ही ध्यान पूर्वक बॉलर ने मान लिया। और बस फिर क्या था, जैसे ही अगली बॉल डाली उसमें बैट्समैन ने कैच उठा दिया और बॉल सीधा पहुंच गई विकेटकीपर के पास। इसे कहते हैं कमाल की समझ रखना। सभी प्लेयर्स बहुत खुश हुए इस विकेट को लेकर। नंबर 3, दोस्तों अगर क्रीज पर धोनी है तो जरूरी नहीं कि वो चालाकी तभी करें जब वो विकेट के पीछे खड़े हों। धोनी ने इस बार रन लेते हुए भी खूब चालाकी दिखाई। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि जब एक रन के लिए विकेटकीपर ने बॉल को थ्रो कर दिया था और थ्रो करने के बाद जब आराम फरमाया जा रहा था, बस यही चीज जब धोनी ने देखी तो भैया उन्होंने एक रन और दौड़ कर लगा लिया। लेकिन अब विकेटकीपर उठा तो सही मगर अब कुछ फायदा नहीं था क्योंकि धोनी ने अपना काम कर दिया था। नंबर 2, कमाल की साझेदारी किसे कहते हैं वो आपको अभी देखकर समझ में आ ही जाएगा। इस साझेदारी ने उस शॉट को नाकामयाब किया जो छक्का लगने वाला था। नाकामयाब ही नहीं बल्कि कैच आउट भी कर दिया। हुआ यूं कि बॉल को हवा में देखकर प्लेयर पकड़ने के लिए भागा, कूद कर बाउंड्री पर उसने छक्का तो बचा ही लिया, लेकिन ये उसे पता था कि वो कैच नहीं पकड़ पाएगा। तभी उसने बॉल को दूसरी प्लेयर की तरफ फेंक दिया और इसी के साथ इन दोनों की साझेदारी की वजह से एक अहम विकेट मिल गया। इस शानदार कैच के लिए एक छक्की तो बनती है। नंबर 1, आपको क्या लगता है कि हमेशा क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट की ही समझ होनी जरूरी है? जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी फुटबॉल भी खेलना आना चाहिए। इस बार भी हुआ कुछ ऐसा ही, जैसे ही बैट्समैन ने शॉट लगाया तो बॉल ज्यादा दूर नहीं गई लेकिन वो रन लेने के लिए गया। बॉलर बॉल पकड़ने के लिए जैसे ही आया लेकिन इतना वक्त नहीं था कि वो बॉल को हाथों से उठाकर विकेट पर मार दे, तो उसने अपने कदमों का इस्तेमाल करके झट से बॉल को पैरों से ही मारकर विकेट उड़ा दी और बस वो रन आउट हो गए।